यादव दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए बांदा पहुंच चुके हैं। देर शाम वो बांदा पहुंचे और आज इसी जगह पर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पीजी कॉलेज है वहां पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये तस्वीरें हम मंच की दिखा रहे हैं, ये वही मंच होगा जहां पर अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए नजर आएंगे। तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और साथ ही साथ पीडीए का मुद्दा हो या फिर जाति जनगणना का मुद्दा हो उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा की जा रही है, संवाद किया जा रहा है और तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जिनको बताया जा रहा है कि कैसे जो है वो जनता के बीच में जाना है, किन बातों को रखना है। कहां से आए हैं आप भाई साहब? जी बवेरू से आए हैं हम। नहीं, बांदा से हैं। जी बांदा से हैं। क्या कल क्या कुछ सीखने को मिला यहां? यहां बहुत कुछ सीखने को मिला है और समाजवाद और जैसे ये इस भ्रष्ट सरकार में हमें कैसे लड़ना है और भाजपा की नीतियों से हमें कैसे लड़के आगे बढ़ना है और समाजवादी पार्टी को कैसे सरकार बनाना है। देखिए, समाजवादी पार्टी में प्रशिक्षण शिविरों की परंपरा जो है डॉक्टर लोहिया जी ने डाली थी और उन्हीं के टाइम से ही लोग जो है समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम होता आ रहा है। आज जो ये कल से जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है इसमें हमारे बूथ सेक्टर जोन के और पार्टी के जो भी मतलब अच्छे वर्कर हैं, तो चूंकि 2024 में आगे चुनाव होने जा रहा है उसी चुनाव को लेके जो है बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी चला रही है। कार्यकर्ताओं में जोश है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 3000 कार्यकर्ता जिसको जो है वो यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है और आने वाले समय में 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है इसके बारे में बताया जा रहा है। कैमरामैन आशीष यादव के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, बांदा।